नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड के 10वीं और 12वीं विद्यार्थी ध्यान दे, जानिए किस आधार पर होगा मूल्यांकन, जैक ने तय किया मापदंड। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय किया है। इसके तहत 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों और 9वीं की परीक्षा तथा 12वीं की विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा से मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे, साथ ही व्यवहारिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस आधार पर मूल्यांकन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने तथा उसके अनुसार रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिए हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी मूल्यांकन की इस पद्धति से संतुष्ट नहीं है उनके लिए संपूरक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की पिछले वर्ष क्रमशः 9वीं और 11वीं की परीक्षाएँ जैक द्वारा ली गई थी तथा जैक द्वारा मूल्यांकन भी किया गया था। भूल कर भी घर से निकलने की गलती नहीं करें, आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना पर काबू पाने के मकसद से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 10 जून से ऑन 2 लागू है। इस कड़ी में शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कोल्हान के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवां समेत झारखंड के सभी 24 जिलों में सब्जी, फल, किराना समेत सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। इसमें सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा पहली बार किया गया है जब लगातार 38 घंटे के लिए जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे लागू कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुसंगतन धारा प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड के हर रेलवे व बस स्टेशन पर बनेंगे जांच केंद्र, सप्ताह में जाने कितने दिन होगा काम। तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है, इसे लेकर बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच कराने की फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट का कोरोना की जांच के लिए अस्थायी रैट जांच बूथ बनाए जाएंगे जो 24 घंटा और 7 दिन काम करेंगे। यह शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे और हर आने वाले यात्री की जाँच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि कोविड की दूसरी लहर की रोकथाम, बचाव तथा समुचित नियंत्रण के लिए कोविड समुचित व्यवहार और अनुपालन, टीकाकरण, सघन निगरानी और कॉन्टैक्ट के ट्रेनिंग के साथ साथ नियमित रूप से जांच की आवश्यकता है। जानकार तीसरी लहर की संभावना भी जता रहे हैं। पर मौसम विभाग से, झारखंड में कल से हो रहा है मानसून प्रवेश, अगले 5 दिनों तक राज्य के इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून के प्रवेश करने के संकेत मिलने लगे हैं। यहां शनिवार की देर रात या रविवार तक के मानसून प्रवेश कर सकता है। मानसून प्रवेश के साथ ही झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मानसून के झारखंड में समय से पूर्व प्रवेश करने का अनुमान है। वैसे केरल में मानसून आने के 15 दिनों में झारखंड के मानसून आता था, इस बार 10 दिनों में ही मानसून प्रवेश करना पूर्वानुमान है। बंधु तिर्की की अगुवाई में स्वर्ग रूपा तिर्की के परिजनों से मिले सीएम हेमंत सोरेन, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा, कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब इंस्पेक्टर स्वरूपा तिर्की के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। विधायक बंधु तिर्की की अगुवाई में रूपा की माता पद्मावती उरांव और पिता देवानंद तिर्की के साथ प्रतिनिधिमंडल श्री सोरेन से मुलाकात कर रूपा की हत्या की आशंका जताई। मामले में अब तक की जांच से असंतुष्टि जताते हुए निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि रूपा तिर्की मेरी बहन के समान थी, आदिवासी समाज की महिला पुलिस पदाधिकारी की मौत से मर्माहत हूँ, मामले में न्याय जरूर मिलेगा। निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता,
विस्तृत जांच का रिपोर्ट सौंपेंगे। हर हाल में रूपा तिर्की की मौत का इंसाफ होगा। कस्तूरबा स्कूलों और शिक्षा परियोजना में इन पदों के लिए होगी नियुक्तियां, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया और कितनी सीट है खाली। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना में 841 शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 338 वार्डन शिक्षकों के पद रिक्त है। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रखंड व जिला स्तरीय कार्यालय में कर्मचारियों के 458 पद रिक्त है। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को रिक्त पदों पर नियुक्त प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के लिए 25 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा के 53,000 लंबित कुआओं के निर्माण के लिए सामग्री मद में जिलों को मिले 29,55,00,000 रुपये। भारी बारिश से कुओं के धंसने की आशंका के चलते सरकार ने अब झारखंड के 53,000 आधे अधूरे लंबित कुआओं का निर्माण व अन्य योजनाओं के लिए खरीदारी जाने वाली सामग्री के भुगतान के लिए 29,55,00,000 की राशि आवंटित कर दी है। मनरेगा के तहत बन रहे कुआं के लिए यह राशि ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार आवंटित की है। विभाग ने इसके अलावा मटेरियल मद की राशि की निकासी अर्ध कुशल कुशल मजदूरों से लंबित मजदूरी भी दी जा सकेगी। इसके अलावा वैसे चालू कूप की योजना जिसमें बंधाई कार्य पूर्ण होने वाले हैं उन सभी कूपों में सामग्री मद के लंबित दायित्व का भुगतान करते हुए योजना को सभी प्रकार से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इन जिलों को मिली राशि लाख में है। धनबाद को 34,00,000, लोहरदगा 64,00,000, कोडरमा 71,00,000, पश्चिम सिंहभूम 77,00,000, खूंटी 84,00,000, सिमडेगा 92,00,000, पूर्वी सिंहभूम 89,00,000, रामगढ़ 93,00,000, गिरिडीह 102,00,000, हजारीबाग 119,00,000, पाकुड़ 125,00,000, सरायकेला 126,00,000, बोकारो 131,00,000, रांची 145,00,000, चतरा 145,00,000, गुमला 155,00,000, साहेबगंज 159,00,000, दुमका 172,00,000, पलामू 182,00,000, गोड्डा 189,00,000, लातेहार 112,00,000, जामताड़ा 115,00,000, गढ़वा 185,00,000। सीएम हेमंत सोरेन बोले सीबीएसई व अन्य बोर्ड के साथ ही जारी होगा जैक की परीक्षाओं का परिणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार जैक बोर्ड भी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड के साथ यह पहले जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि सीबीएसई आईसीएसई तथा कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ही परीक्षा फल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थी के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उसके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षा फल प्रकाशित हो। इसे सुनिश्चित करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए गए हैं ताकि कॉलेजों में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया में झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ईसीसीएल में कोरोना टीका नहीं तो हाजिरी नहीं, कार्मिक ने सभी विभागाध्यक्ष को व क्षेत्रीय प्रबंधकों को लिखा पत्र। टीकाकरण की धीमी गति को देखते हुए बीसीसीएल ने अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। इसके तहत कंपनी ने बिना टीका लिए खदान में प्रवेश वर्जित करने का मन बनाया है, लेकिन समस्या यह है कि इसके लिए कम से कम इतने पैन पावर का टीका जरूर लगा चाहिए कि जिससे कम प्रभावित ना हो। लिहाजा कंपनी ने सभी क्षेत्रों को पत्र लिखकर टीकाकरण कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। कोरोना की वजह से हुई स्वास्थ्य कर्मी की मौत, 48 घंटे में परिजनों को मिलेंगे 50,00,000 रुपये पूरा परचेस। कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मियों की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाले बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोरोना वायरस के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को महज 48 घंटे में बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। योजना के तहत कोविड रोकथाम और इलाज के सीधे संपर्क और देखभाल से जुड़े कर्मियों की मौत के बाद परिजनों को 50,00,000 रुपए की राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाने की प्रावधान है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।